तो दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिना एटीएम कार्ड के गूगल पे कैसे बनाएं। अगर आप गूगल पे चलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो कैसे आप बिना एटीएम कार्ड के गूगल पे में अकाउंट बनाएंगे। जैसे दोस्तों हमारे पास जो है कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है, आज इस वीडियो में हम जो है बिना एटीएम कार्ड के गूगल पे बनाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम गूगल पे चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे बिना एटीएम कार्ड का, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, गूगल पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल पे का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास गूगल पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल पे को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल में गूगल पे डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों हमारा 5G नेट चल रहा है इसलिए कितना फास्ट हो गया यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है गूगल पे इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं हमारा गूगल पे इंस्टॉल भी हो गया है। अब यहाँ से इसे आपको ओपन करना है, यहाँ पर ओपन लिखा है, या फिर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके मोबाइल में गूगल पे आ गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे ऐप को ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन मांगा जाएगा तो आपको इसे अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू गूगल पे। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपका किसी बैंक अकाउंट में लिंक होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और दोस्तों ध्यान देना है वह मोबाइल नंबर आपका जो है इसी मोबाइल में लगा होना चाहिए। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ेंगे, अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एरो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जितना भी ईमेल आईडी होगा सभी आ जाएगा। तो आपको जिस ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का कोड जाएगा, ओटीपी जाएगा, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं आपको ओटीपी नहीं डालना पड़ता है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका ओटीपी नहीं ले रहा है तो आपका जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपका गूगल पे में अकाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक बैंक अकाउंट को एड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने जीमेल में फोटो लगा रखा होगा तो यहाँ पर हो सकता है आपका फोटो शो करेगा। आपको क्या करना है, इसी वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड मनी बैंक अकाउंट। आपको यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट एड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी बैंक होगा उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी बैंक होगा आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। यहाँ पर दोस्तों हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का नाम आ जाएगा। आपको क्या करना है, उस बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक SMS वेरीफाई होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा, तो आपको वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपका जो है बैंक अकाउंट एड हो रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं UPI नंबर सेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसे हम बाद में सेट करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर हम नोट ना वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट है देख सकते हैं डेबिट ATM कार्ड, और दूसरा है दोस्तों देख सकते हैं आधार का। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, आधार वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरीफाई यूजिंग योर आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपके पास जो है ATM कार्ड नहीं है। यहाँ पर हम बिना ATM कार्ड से गूगल पे में अकाउंट बनाने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप में से कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास आधार का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये आधार का ऑप्शन जो है अभी कुछ ही बैंक में दिया जा रहा है, जैसे दोस्तों कोटक बैंक में, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, जियो पेमेंट्स बैंक में। तो दोस्तों आप कोटक बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ओपन हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। कोटक बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उस अकाउंट को दोस्तों यहां से आप लिंक करके बिना ATM कार्ड से गूगल पे में अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर आधार वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो दोस्तों यहां पर आपको जो है अपना आधार कार्ड का
पहला 6 डिजिट नंबर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा आधार कार्ड का नंबर है पहला 6 डिजिट यानी पहला 6 अक्षर डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है एरो का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक आधार ओटीपी जाता है, देख सकते हैं ओटीपी हमारा आ चुका है, जिस ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आधार ओटीपी वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जो आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया, देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट यानी ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चुका है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई पिन डाल दिया है। उसके बाद इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है जो भी आपने यूपीआई पिन डाला है। उसके बाद दोस्तों इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यूपीआई पिन बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा गूगल पे का यूपीआई पिन बन गया है और दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट भी लिंक हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चेक बैलेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो अभी हमने यूपीआई पिन सेट किया उस यूपीआई पिन को डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे हमारा बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है शो कर जाएगा। अब दोस्तों हम जो गूगल पे से किसी को पैसे भेज सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं।